हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर आए अपना सेकंड ब्रांड जो कि अपना RCG। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं अपना RCG का एंगल ग्राइंडर जिसका मॉडल नंबर है RCG AG801। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी डिटेल में बताने वाले हैं इसके साथ आपको क्या क्या एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाती है और अपना एंगल ग्राइंडर किस तरीके का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों फटाफट से करते हैं अनबॉक्स और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि अपना 4 इंची का एंगल ग्राइंडर कैसा देखने को मिल जाता है। तो अपना अनबॉक्स करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपना एक इंस्ट्रक्शन। अभी हम इसे रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे आपको कुछ 3 एक्सेसरीज प्रोवाइड की जाती है जो कि अपनी सबसे पहले है सेफ्टी गार्ड, सेकेंड है अपना साइड हैंडल और जो अपना थर्ड है वो है अपना की। तो अभी हम इन तीनों को रखते हैं साइड में और अभी हम जाते हैं अपने मेन पावर टूल की साइड जो कि है अपना 4 इंची का एंगल ग्राइंडर जिसका मॉडल नंबर है RCG AG801। तो आपको कुछ इस टाइप की पैकिंग में देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो फ्रंट में ही यहाँ पे आपको RCG की एक प्रॉपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हम इसके थोड़ी सी राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कार्बन ब्रश कवर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके बैक साइड में थोड़ी सी और जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑन ऑफ पावर बटन भी देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इसके थोड़ी सी और बैक साइड में जाएंगे तो एक तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर RCG की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसकी पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 900 वॉट की पावर देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर हम इसके डिस्क डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 mm की डिस्क डायमीटर भी देखने को मिल जाती है। तो अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई बिल्ड क्वालिटी में एंगल ग्राइंडर देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ हमें जो एक्सेसरीज प्रोवाइड की गई थी वो अब हम आपको दिखाते हैं कि आप इसके साथ कैसे यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो अपनी पहली जो एक्सेसरीज थी वो है अपना साइड हैंडल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो इस टाइप का आपको यहाँ पे साइड हैंडल देखने को मिल जाता है। तो आप इसको या तो आप इसके लेफ्ट साइड में यूज कर सकते हैं या फिर आप इसके राइट साइड में यूज कर सकते हैं। ये आपको और भी परफेक्ट हैंडलिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। आपको सिंपली इसे यहाँ पे ऐसे नॉर्मली रोटेट करके यहाँ पे आपको ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो आप जैसे ही इसे एडजस्ट कर दोगे, फिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर हैंडलिंग देखने को मिल जाएगी जो कि आपके काम को और भी परफेक्ट यहाँ पे बनाने में आपको हेल्प करेगी। तो दोस्तों अब हम जाते हैं अपनी सेकंड एक्सेसरीज के साइड जो कि है अपना सेफ्टी गार्ड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो सेफ्टी गार्ड इसलिए यूज होता है जब आप यहाँ पे अपनी 4 इंची की डिस्क लगाते हैं, चाहे आप यहाँ पे अपना मारो ब्लेड लगाएं, चाहे आप यहाँ पे TCP लगाएं, चाहे आप यहाँ पे अपनी कटिंग व्हील लगाएं, तो उनमें से जो फ्लेम्स निकलती है वर्क करते टाइम तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप सेफ्टी गार्ड यूज करते हैं। इसको सिंपली यहाँ पे आपको एक स्क्रू दिया जाता है, उसको रिमूव करके यहाँ पे आप इसे इजिली एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रू को टाइट करके आप इसे परफेक्टली यूज कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं अपनी थर्ड एक्सेसरीज की साइड जो कि है अपना की। आपको इसलिए यूज आता है जब आप यहाँ पे डिस्क लगाते हैं तो डिस्क लगाने के लिए आपको की का यूज करना होता है। की को आप कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आपको ऊपर की साइड जो पुश बटन दिया जाता है उसको आपको पुश करके रखना होता है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको की को ऐड करके और इसको ऐसे रोटेट करके आप इसे सिंपली इसे इस टाइप से कुछ रिमूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिर अपनी डिस्क लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो पुश बटन दिया जा रहा है उसको आपको प्रेस करके ही रखना है और प्रेस करके जब आप यहाँ पे अपनी डिस्क लगा दोगे फिर आप इसे नॉर्मली ऐसे रोटेट करके सिंपली ऐसे रोटेट करके और यहाँ पे आप इसे ईजिली ऐसे फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों एक्सेसरीज का मैंने आपको यूज़ और बेनिफिट दोनों बता दिया है। तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर दोनों पे आप हमें DM कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमें ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको आगे के और भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी जो कि हमने 4 इंची एंगल ग्राइंडर पूरा कवर किया था स्टील चेन ब्रांड का, तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और साथ ही साथ उस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।